वार्ड में उपखंड कार्यालय के पास हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन है। पंचायत समिति सदस्यों का जो नामांकन भरा जा रहा है जिला परिषद सदस्यों का, तो लक्ष्मणगढ़ में 25 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं। इस दौरान हमने कई प्रत्याशियों से और कई सदस्यों से, कई प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सुविता जी, किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है आपका? विकास के नाम पे। हमारा वार्ड नंबर 8 है और पंचायत समिति राजपुरा गांव बैरुंगरा। हम पंचायत समिति के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड माधोपुरा गाँव है, बैरुंगरा गाँव है, कसवाड़ी गाँव है, आंत्रोली है, स्वामी की ढाणी है और राजपुरा है। वार्ड नंबर 900 बलारा गांव यही की पंचायत है और हमारा तो विकास का मुद्दा मैन। सुनील सरपंच साहब, किसका आवेदन किया आपने? संतोष देवी का। वार्ड नंबर कौन सा है, कौन से गांव है? वार्ड नंबर 2। सिंबल है निर्दलीय? नहीं, नंबर 1 है। एक नंबर एक। वार्ड नंबर 1 जिसमें बाटेड़ा नाऊ, मलसीवास, कनड़ाऊ और शेखीवास, चारणा के नाऊ, ये गांव आते हैं। तो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार भावजी डाणी है, संतोष देवी के प्रतिनिधि हैं। सुनील जी, कांग्रेस से भरा सर फोरम, सबसे वोट देने के लिए अपील है, देखे विजय बनाए, जो हमारे संबंध बढ़ेगा वो काम करने की कोशिश करेंगे, पूर्व में बिके आगे बिकने का प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 22 है हमारा गांव, गांव खीरुआ डूडुआ बगड़ा के बाद 3 गांवों की डेट पंचायत में वोट नहीं। मैंने मेरी बच्ची का किया और एक मेरे भांजी का किया, 2 आवेदन किए। और निर्दलीय या कोई सिंबल? नहीं, निर्दलीय। कांग्रेस वर्सेज निर्दलीय चुनाव रहेगा, वहाँ कोई दूसरी पार्टी टिकट नहीं, फार्म नहीं भरा हमारे सामने, और कांग्रेस को 300 वोटों से हरा के भेजेंगे। खीरुआ से हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो साहब, नामांकन दाखिल किया, किसके नाम से किया है? मेरी वाइफ है नजमा बानो के नाम से। वार्ड नंबर 22 से हम चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, इसमें खीरवा डूडा और बगड़ियाबास गांव आते हैं। पानी का हो, निकासी सही हो, सड़कें साफ सुथरी हो, गंदगी नहीं हो, स्ट्रीट लाइट हो, गांव की साफ सफाई बढ़िया तरीके से हो। और सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है गांव में सफाई की। गांव में पानी जगह जगह फैलता है, इसलिए उसको नालियों की ज़रूरत है, पानी की निकासी की ज़रूरत है। गांव के जो मुख्य पानी भरता है उसमें निकासी की जगह कम है। डॉक्टर कभी कभी मिस कर जाता है, उसको संभालते रहते हैं बार बार में, लेकिन डॉक्टर पूरी हाजिरी नहीं देता, स्टाफ पूरी हाजिरी देता है। पीएचसी है, आदर्श पीएचसी है। तो गांव खीरवा डूडवा और बगड़ियों का वास। तो सामने भाजपा, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। कितने कैंडिडेट हो गए? 2 कैंडिडेट, एक कांग्रेस का डूडवा से खड़ा हुआ है और एक निर्दलीय खीरवा से खड़ा हुआ है। सरपंच प्रतिनिधि महावीर रणवा हमारे साथ है, सबका सामना आज कुछ बताएंगे। कांग्रेस आयशे कर रहे हैं हम, बावरी वानों का, वार्ड नंबर 2 से। कौन कौन से गांव है इसमें? इसमें जाजोद, दाननी, कोकांग, डानी, ये डेढ़ पंचायत का वार्ड है। मेरे लिए गांव बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, इतने इकट्ठे होकर के मेरे साथ अगर फार्म भराने के लिए आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जीत भी पक्का है। सम्मत को सबको साथ लेकर के, क्यों मेरे अगर वोटर्स इतने फार्म भराने के लिए मेरे इतने साथ आ सकते हैं तो वोट तो सब पूरा गांव देगा ही देगा। मेरे रिटायरमेंट के बाद मैंने सिर्फ गांव की सेवा की है और मेरा सिर्फ जन्म गांव के अंदर 2004 1 जनवरी के बाद का मानता हूँ मैं जन्म मेरे गाँव का। क्यों कि पहले मैं छोटा था, बचपन ननियाल में गुजारा, पूरा स्कूल में पढ़ा लिखा ननियाल में पढ़ा, ननियाल से मैं फौज में चला गया, 26 साल 22 दिन मैंने फौज में नौकरी की और उसके बाद में मैं रिटायर्ड होकर के 31 दिसंबर 2003 को घर से और घर पे पहुंचा 1-2 तारीख को। इसके बाद मैंने गांव की सेवा की 8 साल और गांव की सेवा 8 साल करने का फ़ायदा मुझे गांव दे रहा है। कभी मुझे चला के कांग्रेस की टिकट मिली, मुझे गर्व है कभी मुझे कांग्रेस की टिकट मिली है। दूसरे जो गांव हैं कोकांग, डाणी, दाननी, ये उसमें कैसा माहौल लगता है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है और रहेगा, बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा, अच्छी जीत होगी। इस बार ममता चौधरी, जो डॉक्टर ममता चौधरी है, वो पूर्व सरपंच रही हुई है और अच्छी कार्यकर्ता है, समाज सेवी है, और उसके जो ससुर हैं वो भी राजनीति में सक्रिय हैं, सेवाभावी आदमी हैं। क्या नाम है ससुर का? महावीर जी मातवा जो है वो आर्मी से, एयरफोर्स से रिटायरमेंट है और जब से रिटायरमेंट हुआ है तब से वो समाज सेवा में लगे हुए हैं।
और हमारा सबका पूरी पंचायत का जो है अच्छा उसको समर्थन है और हम अच्छी तरह से उसको जिताएंगे, विजय दिलाएंगे। ना बहुत बढ़िया माहौल है। मैं श्याम सुंदर पारी पूर्व सरपंच कुमार जाटान वर्तमान मानासी पंचायत हो गया। तो वहाँ विजय क्या नाम उसका ममता डॉक्टर ममता मातवा की सराहनीय विजय होगी। ममता पहले 5 साल सरपंच रही है, पिछला टेन्योर उसी का था कुमार जाटान पंचायत में। वार्ड नंबर 6 इसमें गांव आते हैं मानासी पंचायत, मानासी मातवांगी डाणी सेतु कोटी माउलियोंगी डाणी बिंजारा बस्ती धाबाइयोंगी डाणी, ये तो मानासी पंचायत के गांव हैं। और कुमार जाटान पंचायत के आपको अलगपरा गोदारान और दीनवा जाटान दो गांव आते हैं। करीब 5,000 वोटर्स है। वार्ड में बहुत ही अच्छा माहौल है क्योंकि 5 साल ममता चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया, उसके काम पे वोट मिलेंगे। चुनाव विकास पे लड़ा जाएगा, जो हमने 5 साल विकास किया है उसमें जो भी कमियां या अधूरा रह गया कहीं उसको पूरा किया जाएगा सभी के सहयोग से, दोनों पंचायतों के सरपंच और उनकी पूरी मदद की जाएगी कि वो सरपंच दोनों विकास में उनका मैं हाथ बटाऊँ दोनों का। हमारे साथ वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर ममता चौधरी हैं। ममता जी स्वागत है आपका, सबसे पहले तो बोलता राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैंने वार्ड नंबर 6 से अपना फार्म भरा है। हम अपने पंचायत समिति या ग्राम पंचायत के विकास के लिए अग्रसर हैं। पहले भी हमने 5 सालों में काफ़ी विकास करवाया है, जो भी जनता की समस्याएं हैं वो समाधान किया। आगे भी हम प्रयत्न करेंगे कि जो भी जनता की समस्याएं होंगी, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम कार्य का ये करेंगे। सरपंच पद पे मैंने 5 साल काम किया है, 2015 से लेकर 2020 तक। उन 5 सालों में हमारे विधायक जी के सहयोग से हमने काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जनता का यूँ सहयोग मिलता रहेगा, हमारे विधायक जी का आशीर्वाद बना रहेगा तो हम यूँ ही पंचायत में या हमारे पंचायत समिति एरिया में विकास कार्य करवाएंगे। मतदाताओं से मेरा यही सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनका पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है और उनसे अनुरोध करूंगी कि इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें और अपना सहयोग देते रहें। तन मन से वो लगे हुए हैं, जो बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम उनके लिए करेंगे, हम एक तरह से उनके सेवक हैं, जो भी उनके कार्य होंगे वो हम अपनी तरफ से करेंगे। श्री महावीर नायक जो नायक समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो चुनावी मैदान में ताल ठोक दी महावीर जी आपने भी? हाँ ठोक दी। 5वें वार्ड से लड़ रहे हैं, ऐसी सीट है और ऐसी महिला से है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। कौन कौन से गांव आते हैं आपके वार्ड में? उमास, छिचास, बगड़ी और बनाई और सिनवाले 5 गांव। दोनों पार्टियां क्या सामने मैदान में? हाँ दोनों पार्टियां। नहीं निर्दलीय। तो सब अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाग पधारे हैं। लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और गांवों की जो पंचायत है, पंचायत समिति का जो चुनाव है उसमें सब लोग उत्साह से भाग लें। सहयोगी अल्ताफ खान के साथ लक्ष्मणगढ़ से मुबारक अली की।